सो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं नहीं लाइक। मनु आपने पानी बहुत फैलाया बेटा, बोतल बेटा साइड में कर दो सारा ना प्लीज। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? ट्रेन में खाना बनाने जाने सोच रही दाल चढ़ा दूँ, धीरे धीरे बनता रहता आप लोग। गाइस आज हॉस्पिटल गई थी ना मैं, बहुत थक गई। मैंने आप लोगों को बोला था मेरा एक हॉस्पिटल में एडमिट होकर मेरा एक टेस्ट हुआ था, मेरी वो रिपोर्ट आज आ गई है। तो मेरी रिपोर्ट वो नॉर्मल है, ऊपर वाले की कृपा से मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं ठीक हूँ। मनु ये रखे हो, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है जो अभी हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कैसे हैं? मूंग की दाल बनाऊंगी। मनु एक टमाटर देना फ्रिज में से प्लीज। तो आज मैं ना मूंग की दाल बनाऊंगी, काफ़ी दिनों के मूंग की दाल नहीं खाए हैं और वीकनेस भी बहुत लग रही है। तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट ना क्या बोलते हैं लैब वाले ने नहीं भेजी थी मेरे फ़ोन पे, तो मैं एक महीने से परेशान थी। तो मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मतलब मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट नॉर्मल है, अगर कुछ दिक्कत होता तो मैं आपको फ़ोन करके खुद ही बुला लेती। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। क्या मनु टमाटर ऊपर है, देखो मूंग की दाल बना रही हूँ ना अपने लिए, हल्दी वगैरह डाल के। एप्पल आपको एप्पल खाना है क्या? लाओ काट दो। ये सब टमाटर नहीं थे, ये सब है क्या? टमाटर मैंने सारे कूड़े में डाले, तो सारे टमाटर खराब हो रहे बेटा, सारे कूड़े में डाले, जाओ दौड़ के डाल गया सारा। टमाटर खराब हो रहे, जाओ कूड़े में डाल गया, सारे खराब हो गए। हाँ वैस पता नहीं क्यों टमाटर खराब हो गए चार पांच। बाबू सारा उठा लो, सारा कूड़े में डाले जाओ, बदबू नहीं आ रहे बेटा, वो ना काले हो गए हैं थोड़े थोड़े। ओके ये देखिए, ये लाल है, खराब है बेटा, ये सारे फेंक दो, सारे फेंक। बोतल क्या करूँ बोतल का। तो गाइस मुझे ना आप लोगों को ये बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि आपकी रिपोर्ट आई कि नहीं, तो मैंने कहा मैं बता दूँ सभी को कि ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा हुई, नहीं तो मैं सोच रही थी अगर कहीं कोई बड़ी दिक्कत निकल जाएगी ना फिर तो बहुत ज़्यादा मुझे समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि ना जिस चीज़ का डॉक्टर ने सोचा था जो चीज़ निकलने के लिए वो नहीं निकला है बस। बाकी जो छोटी मोटी दिक्कतें वो तो ठीक ही हो जाएंगी। इसी में थोड़ा सा मैं चावल डाल देती हूँ लोटे में करके ना, थोड़ा सा चावल भी बना लेती हूँ क्योंकि फिर भाई के लिए दलिया बनाना है। थोड़ा सा ना मैं इसी में चावल ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर बार बार कुकर कौन चढ़ाएगा, गैस की भी बचत और साथ में वक्त की भी बचत, खाना भी टाइम पे। मैं ना ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर, सब्जी बनानी नहीं है, भिंडी की सब्जी रखे छोटे वाले भाई के लिए दलिया बना दूँगी और अपने लिए रोटी बना लूँगी, इसीलिए मूंग की दाल बना रही हूँ। अभी धीरे धीरे पक जाएगा क्योंकि फिर मेरा लाइव आने का भी टाइम हो रहा है ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। और ये बीपी वगैरह का क्या, ये तो मैं तो मैनेज कर लूँगी, उसका क्या खाओ पियो मैनेज हो गया। आज बारिश हो रही है क्या? हाँ मौसम तो अच्छा है आज दिल्ली का, हल्की हल्की हो रही है, बंद हो गई, हमें लगा बारिश हो रही है लेकिन बंद हो गई बारिश, हल्की हल्की दो चार बूंदें पड़ रही हैं। आज मैं पैदल इतना चली हूँ ना कि मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं,
पैर में छाले पड़ गए हैं और पैर मेरा दर्द कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। भाई चलिए गाइस मैं लाइव आती हूँ, मेरा लाइव आने का टाइम है। देखिए पैर में छाले पड़ गए हैं, देखिए दोनों पैरों में। चलिए गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं सभी से। हाँ मनु मम्मा लाइव ही आने जा रही हैं, बाय बाय गाइस। मैंने आप लोगों को बता दिया प्लीज़ जो है, तो जो लोग कमेंट करके परेशान हो रहे थे ना मेरी रिपोर्ट के चक्कर में, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की, क्योंकि मैं खुद डर गई थी कि हमें कहीं बड़ी सीरियस बीमारी ना हो। चलिए बाय बाय गाइस, पता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दुआ करने के लिए। भोलेनाथ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाय बाय गाइस।